फिरोजाबाद से खबर है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने सत्येंद्र जैन सौली को फिरोजाबाद लोकसभा प्रभारी बनाया है और बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली ने घोषणा। समाज सेवी युवा सत्येंद्र जैन सोली कई सामाजिक संगठन से जुड़े रहे हैं और ये पहले कभी किसी राजनीतिक दल में नहीं रहे हैं, पहले कभी किसी तरह का चुनाव भी नहीं लड़ा है। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आज फिरोजाबाद लोकसभा से आदरणीय बहन कुमारी मायथिली के निर्देश पर यहाँ के एक चर्चित और होनहार साथी सत्येंद्र जैन उर्फ सोली को बहुजन समाज पार्टी का प्रभारी नियुक्त किया जाता है। देखिए, जो अपराधी है वो अपराधी है, उनके साथ जितनी भी सख्ती की जाए उतनी कम। लेकिन इसकी स्पष्ट जांच भी होनी चाहिए कि किस वजह से ये कांड हुआ है। नरेंद्र मोदी जी का कहना है 400 बार, अब की बार 400 बार, आप किस तरीके से लेते हैं नरेंद्र मोदी की इस बात को गारंटी दो? देखिए, कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, यानी चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो, ये सब अपनी अपनी बात करते हैं और हम लोग, हमें पूरी उम्मीद है कि चाहे कुछ भी कहें, बहुजन समाज पार्टी बैलेंस और पावर बनेगी और ये बहुजन समाज पार्टी के बिना इस देश में सरकार नहीं बने। लंबे अरसे से मायावती जी उत्तर प्रदेश से एक तरीके से मतलब बहुत दूर है और अब जाकर दोबारा आई हैं अगर उभर कर, और चुनाव का समय है, क्या मानते हैं बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से? देखिए, आपको मालूम होगा कि हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पूरे देश में पार्टी चलानी होती है, जब जब समय होता है आदरणीय बहन जी हम लोगों को पूरे निर्देश देती हैं और खुद भी जहां वक्त होता है वहां पहुंचती हैं। ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश से बहन जी दूर हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के बहुत करीब रहती हैं और ज़्यादातर समय भी उत्तर प्रदेश की अपना। पहले गठबंधन से मायावती जी हमेशा रही है कई बार चुनाव में, अब की बार क्या लगता है अकेले चुनाव लड़ रही मायावती जी? देखिए, टक्कर ले पाएंगे? मैं आपको बताऊं, पिछली बार आरएलडी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था और गठबंधन में आपको ये भी मालूम होगा कि तीनों पार्टियों का अगर ईमानदारी से वोट पड़ जाता तो 60 से 65 सीट जीतते, लेकिन 15 सीट जीते। 15 सीट कौन सी जीते? जहां 50% दलित और मुसलमान था। चाहे कोई सी भी सीट ले लो, सहारनपुर ले लो, नगीना ले लो, बिजनौर ले लो, अमरोहा ले लो, मुरादाबाद ले लो, सरावस्ती ले लो, अम्बेडकर नगर ले लो, जौनपुर ले लो, घोसी ले लो, गाजीपुर ले लो, यहाँ वे सीट है जहाँ 50% दलित मुसलमान था। अगर इन पार्टियों का जिन्होंने गठबंधन हमसे किया इनका वोट मिल जाता तो इनके चौधरी अजीत सिंह, चौधरी जयेंद्र सिंह, चौधरी जयंत जी नहीं हारते, क्योंकि वहाँ 40% के करीब जाट समाज का वोट है। अगर इनका वोट मिलता तो फिरोजाबाद से अक्षय यादव नहीं हारते, कन्नौज से डिंपल जी नहीं हारती, बदायूं से धर्मेंद्र यादव नहीं हारते, ये सारे का सारा वोट भाजपा में चला गया तो गठबंधन से फायदा क्या हुआ? अब हम समाजों से गठबंधन कर रहे हैं, हम यादव से भी गठबंधन कर रहे हैं, हम जाटों से भी गठबंधन कर रहे हैं, मुसलमानों से भी गठबंधन कर रहे हैं, अपर कास्ट के लोगों से भी गठबंधन कर रहे हैं। आज उसी की कड़ी में जैन समाज को कोई टिकट नहीं देता, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने आज टिकट दिया। जाट समाज से बिजनौर को टिकट दिया, उससे जाट समाज ने बिजनौर से टिकट दिया जाट समाज को, और प्रजापति समाज को मुजफ्फरनगर से टिकट दिया। हर समाज को सम्मान देने का काम बहुजन समाज। फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट।